डबरा के इस पावन भूमि में चंद्रपुर विधानसभा के ऐतिहासिक अग्रसेन भवन में हमर बीच उपस्थित आदरणीय 20 साल के बाद कोई विधायक बने हैं कांग्रेस से तो राम कुमार यादव जी, साथ में आए बिलाईगढ़ के चंद्रदेव राय जी और हमर वरिष्ठ पूर्व विधायक आदरणीय लोकसभा के समन्वयक आदरणीय मोतीलाल देवांगन जी, जिला अध्यक्ष रश्मि गबेल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, हमर भाई प्रदेश सचिव रवि पांडे जी, आदरणीय हमर हसौद के प्रभारी देवेश सिंह जी, नयन अजले जी और जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष आजाद भाई जी और समस्त हमर NSY यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय अनिल भाई चंद्रा जी, यशवंत चंद्रा जी, राइस भाई और समस्त राजा भाई भी आए हैं, हमारे साथी आदरणीय महाराज राम कुमार शास्त्री जी, आदरणीय गिरधर चंद्रा जी, आदरणीय अग्रवाल भैया जी, मोहन मणि जाटवाल जी, गोरेलाल बर्मन जी और ब्लॉक अध्यक्ष मालखोदा के तारकेश्वर गबेल जी, समस्त कार्यकर्ता मन, अयोध्या भाई, आज बड़े सौभाग्य की बात है जब हम बचपन में चंद्रपुर विधानसभा के मालखोदा ब्लॉक में मोर पढ़ाई होत्री से मैं शक्ति जब जात रहे हूँ तो परशुराम बाबू जिला बहुत अच्छी तरह से मैं याद करत रहे हूँ। अशोक बस में मैं जाके पढ़ाई करे पर शक्ति जाऊँ तो परशुराम भारद्वाज जिला मैं बचपन से जानत रहे हूँ कि वो बहुत सहनशील सज्जन पुरुष के व्यक्ति के नाम से एक सांसद हमारे क्षेत्र के आदमी है। आज ओकर बीच में ओकर बेटा आदरणीय रवि परशुराम भारद्वाज जी जो राहुल गांधी जी है आपके बीच के साथी लोग टिकट देके जानकी लोकसभा के प्रत्याशी बनाए हैं, निश्चित तौर पे ये क्षेत्र के वासी मल्ला हर्ष होना चाहिए और गौरवान्वित होना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी ला बधाई देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के धरती जो डबरा चंद्रहासी के माता और अष्टभुजी के धरती है जो आपन 20 साल के बाद राम कुमार यादव ला विधायक बनाए हैं वैसे 16 साल के बाद ये क्षेत्र में आप लोग सांसद चुने का अवसर मिल गए। हमारे 16 साल से सांसद देखे बन नहीं पाते हैं कि हमारे सांसद कैसे होना चाहिए। आज वो अवसर आ गए आप मतलब सांसद बनाएंगे। आप मन ही सभा में आदरणीय माननीय भूपेश बघेल जी ना संकल्प शिविर के माध्यम से पूरे 8 महीना के पहले एक संकल्प ले रहा कि हम विधायक बना के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाबो। 68 विधायक अपन चुन के भेजा और 68 विधायक में आज हमारे राम कुमार यादव जी आपके साथी है जो गाय चराने वाला व्यक्ति राहुल गांधी जी पसंद करके विधायक बने बड़े बड़े नेता वाले निपटा के आज विधायक बनी। यह बड़े राजा रही से जो दो बार के विधायक रहे हैं बोले निपटा के आज हमारे बीच में एक गांव के गरीब जनता मजदूर के किसान के बेटा छोटे से चरवाहा गाँव के चरवाहा वाले विधायक बने। लेकिन आज हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने भूलना नहीं चाहिए। आप मतलब मालूम होगी कि जैसे बनते ही मुख्यमंत्री बनते ही एक घंटे के अंदर में शपथ लेने के बाद किसान मन के कर्जा माफ करीस, बिजली बिल के हाफ करीस और धान समर्थन मूल्य के बात करीस जेमा 2500 रुपया धान समर्थन मूल्य आप अपन हाथ उठा के बताओ जो कब तक किसान है जो कर्जा माफ के लाभ उठाए। मैं आप मतलब जानना चाहता हूँ अपन एक खेत का किसान है कब तक लाभ के फायदा उठा था। ये किसान के बेटा है वो सोचा थे चिंतन करा थे कि क्षेत्रीय आदमी छत्तीसगढ़ के महतारी के बेटा ये क्षेत्र में लाभ ले। आज बड़े बड़े बात कर रहे थे औद्योगिक नीति के बात कर रहे थे उकर मकसद है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया आदमी मन राज करे छत्तीसगढ़ के बेरोजगार साथी मन रोजगार मिले। बहुत बड़े बड़े बात था आप मन अच्छी तरह से जाना था कि कैसे छत्तीसगढ़ के 15 साल से भारतीय जनता पार्टी लूटे हैं। अब आप लुटा नहीं है ये छत्तीसगढ़ ला बनाना है एक गरवा गरवा घुरवा उबाड़ी एला बचाना है संगवारी। ये है माननीय भूपेश बघेल की सोच और यही सोच के कारण अब आप बन ला रवि परशुराम भारद्वाज जी जो जांगीर लोकसभा के प्रत्याशी बने हैं बोला भारी मतों से चुनाव जीता के भेज रहा है। बस अब का कहकर मैं अपन वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।